राधा। ओ माया, अरे चुन्नू मुन्नू धन्नू सोनू रोनू कहाँ गए थे? अरे मालूम नहीं कि काम से थककर लौटा हूँ और कहाँ गए हैं सब लोग। या तो मैं तेरा उस वक्त ऑपरेशन करवाता या तेरी चिता जलवाता।
और मैं पूछता हूँ, तूने उस चलते फिरते क्विट डॉक्टर की दवा क्यों खाई? तुम जो रोज भाषण दिया करते थे कि देश को बच्चे नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ कि मेरे एक बच्चे से देश कंगाल हो जाता। इस महीने में भी मैं तेरे पैसे नहीं दे सकूंगा। अरे तू हम रिटिंग का काहे करे हैं? अरे उसी की तो चिंता में लगा हूँ, न जाने कब वो घड़ी आ जाए। खान भाई, अरे खान भाई इधर कैसे? सलाम खान भाई। खान भाई आज इधर किधर? कुछ इधर हमारे एक आसामी है, उसके पास जाते हैं। खान भाई अब बोलो कुछ, इधर बोलो ना बिरादर। अब बात सुनो, बात सुनो। हाँ कुछ बोलो बिरादर। खान भाई हमको भी अपना आसामी बना लो, हमको सिर्फ 20 रुपया मिलता है, हम बराबर सूद देगा। तुम हमको सूद खोर समझते? शर्म नहीं आता? हम हलाल का कमाई करते लाइन, हम तुम्हारा मदद करेगा। खान भाई हम क्या बोले, हमारा औरत को बच्चा होने वाला है। फिर बच्चा होने वाला है? क्या करेगा खान भाई, हम ऊपर वाले से दौलत मांगता है, वो हमको बच्चा देता है, और कौन जाने ये जो नया बच्चा आएगा वो ऐसा किस्मत लेके आएगा कि हम सब लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा, मालामाल हो जाएगा। दौलत भी देगा शंकर, दौलत भी देगा। लो शंकर, बहुत वक्त पर पैसा दे देना। हाँ वो पगार होते ही देगा। हाँ ओ खान भाई आप कितना अच्छा है, बहुत मेहरबानी। आपको बच्चा कितना है? एक। औरत कितना? चार है। ओह चार औरत और एक बच्चा, और हमारा एक औरत और 6 बच्चा, अपना अपना किस्मत है भाई। ओए नवाब अपन का सेठ चारों से नहीं आया सलाम, चारों और नहीं आ गया सलाम। ओके तुम किधर जाते सलाम का बच्चा? खान भाई आप भी कमाल का बात कर रहे ला, अपन सलाम का बच्चा किधर, अपन तो अपने माँ बाप का बच्चा है। अंदर जा रहा हूँ। अंदर का बच्चा? झूठ बोलते, सच सच बोल, नवाब किधर है? खान भाई आप भी क्या बोल रहे ले? अरे बाबा अपन है नौकर, वो अपना सेठ, अभी अपना सेठ किधर जा रहा है किधर आ रहा है अपन कैसा पूछेगा? और फिर अपना सेठ है नवाब, नवाब नवाब अली खान, डबल नवाब, ट्रिपल नवाब। गर्मी बहुत हो रही खान साहब। नवाब का बच्चा? कुछ अपने डबल नवाब से कह देना, अगर फजर तक हमारे सूद का पैसा नहीं दिया तो हम उसको डबल से सिंगल कर देगा, समझा? कुछ नवाब का बच्चा रूज रूज हैरान करता है, डंडा मारेगा ठंडा कर देगा। अरे अपन का 3 महीने का पगार नहीं दिया है तो तुम्हारा सूद कहाँ से देगा? हाँ बड़ा है डबल का सिंगल करने वाला। नवाब साहब उठो, खतरा टल गया है, उठो। नवाब साहब आइए, बाहर आइए नवाब साहब। अरे वाह पठान को देखते के साथ ही हल्के हो गए नवाब साहब। नवाब साहब माँ कसम पठान चला गया है, बाहर निकलो, मैं नूरा बोल रहा हूँ। नवाब साहब का वो ही करो, नवाब साहब निकलो, निकलो नवाब साहब। बेवला नूरुद्दीन साहब आ रहा। अरे आपकी आवाज? वो तो पठान ले गया। नवाब किधर फूट गए? मैं तो आपको टोकरे के नीचे भी ढूंढ रहा था। टोकरे के नीचे? पैर के पीछे, नल के इधर, आजू बाजू अक्का बस्ती ढूंढ डाला। लेकिन नवाब साहब आप कैसे इतना लंबा भागा? मैं तो पठान को सीधा भेंडी बाजार का रास्ता दिखता, मैं
अच्छा काम किया ना। सुभान अल्लाह, वफादार हो तो आप जैसा। क़िबला नूरुद्दीन साहब सुनिए, हमें पानी पिलाने की तकलीफ फरमाएंगे? अभी फरमा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन नवाब साहब एक बात, मेरे खोपड़े में नहीं उतरे लिए, आप पठान को देख के पानी क्यों मांगते? अरे बरखुरदार, कुछ लोग तो पानी भी नहीं मांगते। पवन सुत संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित सुदैव शोक पीरु। सियापति रामचंद्र की चार कार और 40 बच्चे, और बाल देश का क्या होगा? तू कौन है बीवी? शंकर से कारवाली, सत श्री अकाल। भाई लंगड़ी से रहा करूँ, और तेरे माँ बाप इलाज नहीं करवाते तेरा है? और क्या तुझे मार छेड़ना है इन्होंने? बीवी का इलाज क्यों नहीं करानी है? कोई कमाल है, कोई बात ही नहीं सुनता मेरी। अच्छे दवा शंकर का बच्चा, और शंकर ये लड़की तेरी है या मेले में से उठा के लाया है? जवाब दे, निकलना क्यों नहीं बाहर? यहाँ से कहीं और क्यों ना चले जाए? कहाँ चले जाए? यहाँ क्या मेरे बाप की बिल्डिंग है? जानती नहीं, यहाँ बगैर पगड़ी के कुछ नहीं मिलता, और अपने पास न टोपी है न लंगोट, कहाँ जाए? जहन्नुम में। अच्छा अच्छा, लो बैठो खाना खा लो। माँ, मेरी दवाई लौ दे। ए, पहले खाना तो खा ले। आज खाना नहीं खाऊंगी, उबकाई आ रही है मुझे। सुनो तो, खाना खाकर राधा के पांव में जरा पट्टी बांध लेना। तूने क्यों नहीं बांधी? तुम ही बांधो ना। तुम बांधो ना बाबा, मैं नहीं। और देखो चूल्हे पर दवा रखी है, उठा लेना, मुझसे बैठा नहीं जाता। अरे ये भूखी मत सोना भगवान, मैं तेरे लिए थोड़ा दूध ले आता हूँ अभी जाके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए, शांति। अरे शांति चाहिए तो किसी शांति स्वरूप से शादी करनी चाहिए ना। मैं तो उग्र रूप शंकर हूँ, शंकर। अरे हाँ
क्यों? माया, अरे ये क्या हो गया? आज रात को कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? मान बली, बजरंग बली, इस बार बता दे। माया, माया मैं कुछ करता हूँ, हिम्मत रखना। क्या करूँ? क्यों चुन्नू महाराज? तो माँ माँ हाँ हमारी माँ कहाँ है? अरे भैया चुन्नू मुन्नु ये कहाँ जाने माँ बच्चन की बतिया? हम बताई तुमली मैया तुमले वास्ते भैया लेन गई है। हाँ भैया और बच्चा? हाँ हाँ छाई के ऊपर एक सतवां बच्चा। सतवां बच्चा? जय बजरंग। हाँ हाँ ब्रह्मचारी महाराज तुम सोना में बैठे बैठे झगड़ा मारो मुद्दर फिराओ और ऊपर से गंड पेलो बैठक लगाओ और ऊपर से हलवा पूरी खाओ। अरे ओ छबीली का कर रही है? छतिया पे मूंग दलत हूँ। घर में नहीं है ना? नहीं। तुम्हें भूख लगी? भूख लगी है ना? हा? चलो आओ ना। चलो चल चल चलो जल्दी चलो। हाँ लो बेटा खाओ। ले लो। हनुमान
बजरंगबली बजरंगबली। भगवान, उसे फिर अस्पताल छोड़ आया हूँ। आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं। मेरी घरवाली को हंसते खेलते वापस घर में आने देना को, वरना मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मुझे कौन संभालेगा? और फिर जो नया आने वाला ही आने वाली है ना, उसका भले। बेटी राधा, मेरी बच्ची, मेरी लाडली, कितनी सयानी हो गई तू, माँ से भी ज्यादा। आज मैं तुझे अस्पताल लेके जरूर जाऊंगा, डॉक्टर को तेरी टांग दिखाऊंगा, वो बहुत जल्दी ठीक कर देगा, और फिर तुझे तेरी माँ से भी मिला दूंगा। अच्छा बाबा, अच्छा जरूर ले जाऊंगा। तुम लोगों की माँ है, मेरी थोड़ी। चलो चाय पियो, बैठ बैठ, चाय मेरे लिए भी है। चाय जो करता है अच्छा करता है माया, तू कुछ खाती पीती तो थी नहीं? अरे मैं तो पहले ही जानता था कि ये सातवां नहीं बचेगा, मरा हुआ पैदा हुआ या होके। अरे तू इस तरह मुझे क्यों घूर रही है, इसमें मेरा क्या दोष है? अरे खाके मकड़। अरे शुक्र कर के तू बच गई। लेकिन लेकिन बच्चा तो। अरे अरे तू लेटी रहे, तू मत बोल, यही बच्चे ठीक तरह से पल जाए बहुत है। अपने देश के लीडर रोज भाषण देते हैं कि आबादी मत बढ़ाओ, समझो उन्हीं का कहना मान लिया। पैदा मनाए रात का बच्चे को दूध पिलाओ। अपना बच्चा? माँ ये कौन है? ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई। चाची मेरी पड़ोसन के घर सातवां बच्चा हुआ है। सातवां बच्चा? हाँ, बड़े भगवान है वो। भगवान है? जरा बच्चों के बाप से तो पूछ के देखो, दुनिया इतनी बदल गई है और जिंदगी इतनी महंगी हो गई है कि जिनके घर में ज्यादा बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चे न रहे तो अच्छा है। हारा तो पैदा क्यों करते हैं? यही तो मैं पूछता हूँ। पर चाचा जी मैं तो ये पूछने आई थी कि मैं उनका ये बच्चा गोद ले लूं। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी, फौरन बड़े परिवार की गरीबी दूर करने का एक रास्ता ये भी है, और इस तरह से कई गाँव की सूनी गोद भी भर जाएगी। लेकिन आपका वो भतीजा सुंदरलाल किसी का बच्चा गोद लेने पर राजी हो जाएगा? उनको मैं मना लूंगी चाची, तुम फिक्र मत करो। मर गए दादाजी, मर गए, मर गए दादाजी। मैं कहता हूँ बिल्कुल मर गए दादाजी। क्या बकता है? अरे अगर नहीं मरे तो हम मर जाएंगे चाचाजी, अभी अभी पेपर में सूचना दे के आ रहा हूँ। क्या सर चाचाजी? नहीं नहीं चाचा जी सॉरी, कुछ समझने और समझाने में थोड़ा सा घोटाला हो गया। मैं अभी अभी एक आर्टिकल लिख के आ रहा हूँ कि हम मर रहे हैं, मर चुके हैं, कोई चीज भी काबू में नहीं है। खाने पीने की चीजें सरकार के काबू में नहीं, बच्चे पैदा करना आदमी के काबू में नहीं, और मौजूदा पढ़ाई लिखाई समाज के काबू में नहीं। नतीजा ये है कि बाप बेटे काबू में नहीं और बेटा बाप के काबू में नहीं, बेटी माँ के काबू में नहीं और माँ बेटी काबू में नहीं, ये उस काबू में नहीं। अरे सुंदरलाल शुक्रा, तुम कहना क्या चाहते हो? अजी कहना ये चाहता हूँ कि मेरी घरवाली मेरे काबू में नहीं। क्यों भाई, क्या किया तेरी घरवाली ने? चाचाजी मेरे पड़ोस में रहता है शक्कर का बच्चा, मिल मजदूर, जाहिल, गवार, अनपढ़, तनख्वाह लेता है 137 रुपए, 8 आने 5 नए पैसे, और पैदा करता है हर साल में खत से बच्चा, खत से बच्चा। और चाचाजी, चाची जी मेरी बीवी गोद में लेती है झट से बच्चा, झट से बच्चा उसी का। चाची जी, अरे चाचा जी आप बताइए, मैं उसे ला समझाता हूँ मगर वो समझ
अपना बच्चा गोद ले रही हूँ। ओह, फिर वही शंकर का बच्चा। माहन की छवि देख बिदस गई। अरे कौन है? कौन है? कौन है रे? अरे बोला तो कहे नहीं, कौन है? भोलेनाथ का बैल दादी, नंदी महाराज। तो तेरी घास डाल दे बिटिया। आ, आ, खा, ले खाई लेना। खा, खाई लेना। नंदी महाराज, हमरी भरी भरी खचियन की हरी हरी घास खाई हो? अरे बोला ना। बेशरम कहीं की।
चावल बीन रही हो? अपनी किस्मत बीन रही हूँ। समझ गया, पीपे खनक रहे हैं, राशन पानी सब साफ। अरे जरा मुंह उठा के तो देख। तुम्हारी तो आदत पगार हो गई। हाँ हो गई, पर जरा सिनेमा की हीरोइन की तरह मुस्कुरा के तो देख। क्या बात करते हो तुम भी, अभी बच्चे आते होंगे तो। अरे बस बस बस, अपने तो महीने भर की थकान दूर हो गई। सच ले भगवान, ये पांच बना के 137 और 25 पैसे गिन ले। अच्छे बगल पर पगार आई है, कल राखी है, कहो तो 1-2 रुपए की मिठाई मंगवा लूं। अरे हाँ मंगवा ले, इस बहाने अपना भी मुंह मीठा हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। पर देख मिठाई जरा अच्छी होनी चाहिए। ये लो 1 रुपए की राखी और 2 रुपए की मिठाई। हाँ ये हुआ। तुम कहो तो छोटू के लिए कुर्ता ले लो। हाँ ले ले, जरूर ले ले। और राधा के लिए एक फ्रॉक। हाँ उस बिचारी के पास सिर्फ एक फ्रॉक रह गई है। अरे हाँ चुन्नू मुन्नू दोनों की स्कूल की किताबें फटी हुई हैं। अरे वो आ जाएगी देख, 1 रुपए में। और महीने भर का राशन वो कितने का हुआ? 70 रुपए और 5 रुपए चाय की पत्ती। ये 70? पर तुझे आधा सिर दूध रोज पीना है, डॉक्टर ने कहा है। हाँ आधा सिर दूध मैं पीऊंगी। हाँ एक पाव दूध हुआ 27 पैसे का। 20 गिन लेना। क्यों 30 क्यों ना समझ लू? 3 पैसे ज्यादा गिन लेगी तो क्या तुम 7 पैसे कम गिनोगे? तो मैं कौन सा अपना कफन खरीद रहा हूँ? तो मैं कौन सा अपनी चिथा की लकड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ? तुम्हारे घर का खर्चा ही ज्यादा है तो मैं क्या करूँ? मेरा घर? घर मेरे बाप का है। तुझे ये सारे बच्चे मैं अपने दहेज में लेकर आई थी। तो क्या ये मेरी बरी के जोड़े हैं? मैं तो जो कमाता हूँ तेरे हाथ में रख देता हूँ, शराब पीता नहीं जुआ खेलता नहीं। तो मैं कौन सा अपने बाप के घर मनी ऑर्डर करा देती हूँ? 10 साल हो गए शादी को, एक छल्ला तक तो बनवा कर दिया नहीं। तो मैंने कौन सा सूट सिलवा लिए? तू गुजारा नहीं कर सकती तो मैं क्या करूँ? मैं तो कहता हूँ मैं किसी दिन कपड़े भर के निकल जाऊंगा इसका। मैं किसी दिन रेल की गाड़ी के ऊपर सड़क सो रहूंगी। हाँ, हाँ। तुम मर जाओ ना, डर किसे बताती हो यार? कौन है? पटेल का चेक बंदा तुम्हारे पगड़ में। चाय के बत्ती बिस्कुट दादा जन कुल मिला के 10 रुपए 15 दी। नमक हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला दाल गुड़ डालडा नारियल नारी का तेल घास एक झाड़ू 40 रुपए 70 ने दे। बस और 1 41 30 पैसे वापस। छुट्टा नहीं, राम राम। राम राम। देखा उधार देता है सेठ और रिश्वत ले जाते हैं ये नौकर। आइए मुनीम जी, आप भी आ जाइए। जमीन का करावा रसीद। पाले करावा रसीद। अच्छा करावा रसीद। करावा रसीद। जय गोपाल जी। जय गोपाल मांगते रे भाई। वाजी लाला, वाजी लाला, वाजी लाला, वाजी लाला, वाजी लाला,
आपको ठीक कर देंगे। अरे किधर आखना अरे इस हालत में इतना बोझा तू मुझे रंडवा करके छोड़ेगा। जुआ खेलो बीड़ी पियो शराब पियो कुछ भी करो मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। महीने भर का राशन आ गया है दादाजी के लिए भगवान मालिक। दादा की माँ कल मंडी से गुजरा तो देखा गोभी के ढेर लगे हुए बहुत जी ललचाया। छुटपन में बाबा के साथ जाता था और खेत से तोड़ लाता था अपने खेत की गोभी। इतने बड़े बड़े अब खेती बाड़ी छोड़कर शहर में आ गए मशीनें चलाते हैं गोभी को तरसते हैं। तो ले आओ ना पल भर में बनाई देती हूँ। शंकर ओए शंकर ए, तुमने इससे कुछ पैसे तो नहीं लिए? दो दिन से चक्कर काट रहा है। नहीं नहीं तेरी जान की कसम बिल्कुल नहीं अभी आता हूँ। सलाम खान भाई। सलाम शंकर। उधर चल के बात करते हैं। इधर उधर नहीं कुछ आज हमारे रुपये दो। किधर से देगा खान भाई हमारा पगार नहीं हुआ। क्या बोलता सबका पगार हुआ तुम्हारा पगार नहीं हुआ? अरे हम मिलने गया ना काम पर हमारा घरवाली का तबीयत ठीक नहीं। घर वाली राशन की देर से लाया उधार और बाहर वाले को इनाम की देर से दिया उधार। अच्छा शंकर का बच्चा पूछे तुम हमसे झूठ बोलते हम सूद नहीं लेता ब्याज नहीं लेता नकदी नहीं लेता गरीबों की मदद करता है खाना खराब तुम हमसे झूठ बोलते हैं। आज हम तुम्हारा बाप से पैसा लेगा। खान भाई हमारा बाप से पैसा लेगा तुम लोग जाके ऊपर गया बच्ची निकालो पैसा। अरे खान भाई पागल खान भाई झूठ बोलते
देर हो जाए तो फिक्र नहीं करना।
के लिए मिठाई लाई। अच्छा दीदी मैं चलूं, उनके दफ्तर जाने का वक्त हो गया। छोटू को बच्चे तो दे देता है
शांति नहीं देता। तेरा पांव जरूर ठीक हो जाएगा बेटा। मिस सरिता, आप सिर्फ मरीजों का ख्याल रखती हैं या किसी और का भी? हॉस्पिटल में सिर्फ मरीजों का ही ख्याल किया जाता है। हट्टे कट्टे तंदुरुस्त का नहीं। काश आप मरीज होते। जी मैं मरीज हूँ। आंख देखिए, दिल देखिए, जुबान देखिए। मिस्टर सुधीर, ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ और आप भी, समझे? सो ड्यूटी फर्स्ट। ओ आई एम सॉरी, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। थैंक यू, मैं कल इसे बात करूं। कोई बात नहीं, बाय बाय। सुनिए देवी जी, नमस्ते। आप फिर आ गए? जी हाँ, और इस वक्त मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप चाय कहाँ पियेंगे? गे लॉर्ड, मे लॉर्ड, डे लॉर्ड, जे लॉर्ड, या किसी ईरानी के होटल के सामने? गे लॉर्ड? नो लॉर्ड। नो लॉर्ड? चाय अपने घर। माँ गरम गरम चाय का प्याला लिए बैठ चुकी और बाबू जी इंतजार कर रहे हैं। अरे जरा सुनो तो सही। अरे क्या मुसीबत है, उसने इसको निकम्मा कर दिया, वरना आदमी ये भी काम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेहता साहब क्या बात है, जरा मुकर्रर हो। अर्ज किया है बरफरदार, उसने इसको वामिया साइकिल ही लेके चल दिए। दिन दिहा रहे सीना। देखो इसे हॉस्पिटल में दाखिल करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मासूम बच्ची अकेली रहेगी कैसे? अकेली क्यों, इसकी माँ इसके पास रह सकती है, तुम इसके पास रह सकते हो, मगर तुम बच्ची को बहुत देर से हॉस्पिटल में लाए। केस सीरियस है, इसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। जिसे तुम छोटा सा फोड़ा समझ रहे हो वो नासूर, हड्डी सड़ने का डर है। एडमिट कर। राइट सर। राधा को तो वहां अस्पताल वालों ने भर्ती कर लिया है। अरे फिक्र मत कर, वो जल्दी अच्छी हो जाएगी। सच, उसे एक दो ने नहीं, 10-20 डॉक्टरों ने देखा है। और फिर सरकार के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा है कि तेरी बेटी राधा जल्दी अच्छी हो जाएगी, फिर फिक्र किस बात की? और फिर राधा की माँ, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो ऊपर वाला है, वो हमेशा हम पर मेहरबान रहा है, फिर चिंता किस बात की? रोटी? मुझे भूख नहीं है, मैं आधा दिन काम पे चला जाता, आधा दिन काम करूंगा तो आधी पगार भी मिल जाएगी, तू खा लेना, बच्चों को खिला देना। ए, ए, हिम्मत रख। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची अभी नहीं।
अभी क्या लेकर आई? ये देख माँ कितनी अच्छी गुड़िया है। बाकियों को कौन देखेगा जो छह पिल्ले घर पे छोड़ गए? तुम इस बच्चे के बाप हो ना? यस, मैं बाप हूँ और ये माँ है। कल सुबह 8 बजे यहाँ पहुंच जाना, बड़े डॉक्टर ने बुलाया। जी लो, कल की पगार भी गई। छोड़कर तो क्या अस्पताल ना जाती? नहीं, ये भी ठीक। कसूर अपना है राधा की माँ, दाढ़ी से मूछें लंबी हो गई हैं। अरे चुन्नू उस्ताद, कहाँ खड़ा तो यहाँ? कहाँ खड़ा तो? अरे जय बजरंग बली, हम दीदी को मिलने जाएंगे। अरे तो दीदी अब भाई घर नहीं आई? हाँ आई है। लोगन का क्या खबर? गरीबन पत्ता पीते हैं ना, हम धोई दे भाई, जाने का की मैल जमी है तो धुलती ही नहीं। राम जाने यहाँ के लोग कैसे हैं चिन्नो, कैसे तुम्हारी दादा ही अस्पताल में है और यहाँ का उसको खबर भी नहीं लगी। अरे काव पर चढ़े आओ तो जरा खबर करो ना, हमारी गागर पहले भर। अरे क्या कहते हो तुम लोग है? अरे तेरी गागर तो भर गई। अरे कहाँ भरी है संकेत दादा, की मुँह नल में तो पानी ही नहीं आवे। अरे क्या मजाक कर रही हो, हटाना, मुझे देर हो रही है, अस्पताल जाना है। दादा का क्या हाल है? अरे भाई बच्ची को उन लोगों ने अस्पताल में भर्ती कर लिया है, कहते हैं कि देखेंगे। समझ में नहीं आता, एक पाँव काम पर, एक अस्पताल में, एक घर में, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं। अरे पार्टी भर गई शंकर दादा, काहे को भैंस के आगे बीन बजावत हो। जय राम जी की। ये दर्द कैसे लगा? बाबा। ये तो याद नहीं था, घोड़ा निकला था। नहीं मालूम नहीं, कहीं गिर पड़ी थी, पता नहीं था। ये लड़की तुम्हारी कौन है? ये मेरी बेटी है सर। बेटी है तुम्हारी? कैसे बाप हो तुम? कहाँ लगा था, कैसे लगा, क्यों करता हुआ कुछ तुम्हें पता नहीं? इलाज क्यों नहीं करवाया? इलाज तो मैं खुद घर पे करता था। तुम डॉक्टर हो, तुम लोगों के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ शफा खाने खोले हैं और तुम यहाँ तक आ नहीं सकते। इलाज तो मैं खुद करता था। नॉनसेंस हम बात। डॉक्टर साहब, आप हम गरीबों की हालत नहीं जानते। अगर हम अस्पताल आए तो काम पर नहीं जा सकते, पगार कट जाती और ये बच्चे भूखे मर जाते। ये सब बच्चे तुम्हारे हैं? जी हाँ, 5, एक वो 6, एक घर पर है। मालूम होता है हर साल एक बच्चा पैदा करते हो।
जी हाँ, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए। तुम अपनी बीवी को यहाँ लाओ, उसका ऑपरेशन करना होगा। मेरी घरवाली का ऑपरेशन? नहीं तो तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। वाह डॉक्टर साहब, बीमार तो मेरी बेटी और ऑपरेशन माँ बाप का। तुम्हारे यहाँ 7 के 17 बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम जवान हो, तंदुरुस्त हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि पहला बच्चा माँ बाप के लिए कहका होता है, दूसरा मुस्कुराहट, तीसरा खामोशी और चौथा आंसू बन जाता है। इसके बाद माँ बाप बच्चों के पेट पर पत्थर बांधने लगते हैं और बच्चे ये सोचते हैं कि हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए। लो और सुनो डॉक्टर साहब, आपका ख्याल है कि ये सब बच्चे मैंने पैदा किए? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो भगवान की देन है। भगवान ने तुम्हें अक्ल भी दी। तुम जैसे लोग ही देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब करते हैं। दुनिया बदल गई है, आज की दुनिया इकोनॉमिक्स पर बेस कर। जी इकोनॉमिक्स, इनकोमिक्स। हाँ, आमदनी और खर्च अगर पाल नहीं सकते तो पैदा भी नहीं करने चाहिए। देखो वो, देखो क्या है वो तो कुछ लाल 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 त्रिकोण। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फैमिली प्लानिंग। जिस तरह से देश में योजनाएं बनती है, उसी तरह से खानदान में भी योजनाएं बननी चाहिए, क्योंकि आदमी खानदान बनाता है और खानदान मिलकर देश बनाता है। सरकार ने हर शहर हर गांव में फैमिली प्लानिंग के दफ्तर खोल रखे हैं। पहले बच्चे की पैदाइश के बाद आदमी को चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के दफ्तर में जाए। अगर तुम भी पहले बच्चे के बाद फैमिली प्लानिंग के दफ्तर में जाते तो तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का वो ऑपरेशन करते, उससे तुम्हारे जिस्म को कोई हानि नहीं होती, तुम्हारे घर में भी खुशी होती, देश की सहायता में तुम्हारा भी हाथ होता और आज तुम्हारे पीछे ये भूखे नंगे बच्चों की भीड़ ना होती और वो बच्ची जो देश का अंग है उसकी ये हालत ना होती। जानते हो उसके जिस्म में जहर फैलता जा रहा है और लम्हा पर लम्हा उसकी जिंदगी खतरे में पड़ती जा रही है। मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं वादा करता हूँ जो आप कहेंगे वही करूंगा। इसका एक इलाज तो यह है कि फौरन इसकी टांग काट दी जाए। फॉर्म पे साइन ले लो डॉक्टर साहब। लड़की की जात है, कल बड़ी होगी, शादी करेगी, माँ बनेगी। अरे गरीब की लड़की अगर तो लंगड़ी होगी। मैं सही नहीं करता है? मैं गलत के ऊपर सही नहीं करूंगा। तुम लोग मुझे क्या समझते हो, मैं बाप हूँ का सही नहीं? चलो बेटा घर चले, टांग काट देंगे बड़े आए, टांग काटने वाले, मैं अपनी टांग काटता हूँ। पापा, 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 पापा। अरे राधा की माँ, अरे ओ राधा की माँ, ओ राधा की, अरे राधा की माँ, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, पहली भूल तो तूने ये की कि बच्ची को अस्पताल भिजवा दिया। तू क्या बेचारी को लंगड़ा बना देती? अरे लंगड़ी तो अब होगी, डॉक्टर कहते हैं उसकी टांग काटनी होगी वरना जिंदगी को खतरा है। ना? अरे मैंने तो कह दिया मर जाना अच्छा है, मगर लड़की की जात का लंगड़ी होना अच्छा नहीं। तुम मेरी बेटी को घर ले आओ जी। अरे कैसे ले आऊं, वो तो अंदर घुसे फार्म दिखाते हैं, यहाँ सही कर दो, यहाँ सही कर दो, पर मैं तो दस्तखत करके देने वाला नहीं। तुम मुझे वहां ले चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, तू वहां भूल के भी ना जाना भगवान, नहीं तो वो तेरा भी ऑपरेशन कर देंगे, कभी बच्चे नहीं होंगे, आजकल ऑपरेशन की बड़ी हवा चली है। अरे वाह, ऑपरेशन कर डालेंगे, उनके बाप का राज है क्या? मैं ले आऊंगी अपनी बच्ची को, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, तुम माँ की शक्ति को नहीं जानते। अरे अब दुनिया बदल गई है भगवान, सुन, पहले ये जो धरती है ना शेष नाग के फन पर टिकी हुई थी, अब वो कहते हैं कि वो इनकोमिक्स पर ठहरी हुई है ये धरती। इनकोमिक्स अर्थ पर, नहीं समझी, धन पर। कहते हैं कि आमदनी के हिसाब से बच्चे पैदा करो, 2 या 3, बस उसके बाद तो कसम खा लो, कान पकड़ लो, ऑपरेशन करवा डालो। आमदनी कम है तो खाने वाले भी कम होने चाहिए, ये बच्चे तुम्हारे नहीं देश के हैं। अरे चाओ, देश के हैं, अगर देश के हैं तो देश उनको पालता क्यों नहीं, कोरा हुक्म चलाते हैं। मैं पूछती हूँ, ये जो तुम्हारे देश के लीडर है, नेता है, उनकी घरवालियों के ऑपरेशन हो चुके हैं, उनके घर में 2-3 बच्चे हैं क्या? तू समझती तो है नहीं, उनकी इनकमिंग हालत हमसे बहुत अच्छी है। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, समझती तो है नहीं। अरे वो हमारे ही भले के लिए कह रहे हैं, इतने बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें खिलाएंगे कहाँ से? पर ये तो बताओ, जो पैदा हो गए
ये बात तो मैंने पूछी ही नहीं। तुम तो ये गोबर गणेश हो, जिसने जैसा समझाया मान गए। देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, शाम तक अगर मेरे बेटे को घर नहीं लाया ना, तो मैं यही सर फोड़ कर फांसी लगा कर मर जाऊंगी। अरे अरे रोती क्यों, हाँ मैं ले आऊंगा मेरी बेटी। अरे अरे तुम्हारी बेटी को मैं जरूर ले आऊंगा, बात तो सुन। आ गया। क्या बकबक कर रहे हो,
चलो दूध बनाओ। बनाता हूँ। इसी तरह दीदी भी ले जाएंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल मेरा सगा बेटा मालूम होता है। और मेरा मतलब ये है कि इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बाप से मिलती है जी। इसे आज मैं अपने घर ही ले जाती हूँ। उठो जी। आज तो मैं इसे अपने साथ ही सुनाऊंगा। क्यों बे, कहीं कपड़े तो गीले नहीं करेगा। दीदी एक बात कहूं, तुम्हारे यहां तो भगवान की दया है, अपना छोटू हमेशा के लिए हमें दे दो ना। रानी सेठों के 10-10 मकान है, किसी से एक मकान मांगकर तो देखो। और फिर ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। भगवान जो करता है अच्छा करता है। अब वो कहते हैं कि हम राधा को बगैर ऑपरेशन के अच्छा कर देंगे। उसे लाए नहीं। अरे मैं तो ला रहा था, मगर अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया। बहुत बड़ा डॉक्टर है। हाँ, और ये 70 रुपए तो फीस के लेता है वो। लेकिन उसकी टांग तो नहीं काटेंगे ना? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, यही तो वचन लेकर आया हूँ मैं उनसे। तुझे भरोसा नहीं हो ना तो कल जाकर अपनी आंखों से देखा। अरे इतने अच्छे साफ सुथरे बिस्तर पर सोई हुई है वो, नौकर चाकर सब हाजिरी में है उसके। दूध है वहाँ, फल है वहाँ, दवाइयाँ है वहाँ, किसी चीज की कमी नहीं है। राधा की माँ, हम लोगों को तो बच्चों की देखरेख करनी नहीं आती। ये तो सच है, हमें बच्चों की देखरेख नहीं करनी आती। मुझे तो नहीं लगता कि दीदी अपना छोटू हमें दे दे। अरे महामूर्ख है ये लोग, पाल सकते नहीं, पैदा किए जा रहे हैं। सच कहते हो, अगर छोटू हमें मिल जाए तो हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखें। है ना छोटू? अरे चलो पट्टी करवा लो। अच्छी अच्छी बेबी, चलो पट्टी करवा लो। अरे बाबा पट्टी नहीं करवाओगी? नर्स जरा इसे पकड़ना, ये पट्टी नहीं करवाती। नर्स की जरूरत नहीं। राधा पट्टी। कमाल, आप तो जादू भी जानती। ड्यूटी फर्स्ट। आई एम सॉरी, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। ओ अभी लंबी चौड़ी मुलाकात मालूम होती है कि केंद्र है। आप समझ गए सदा जी? अरे मैं समझ तो गया, जाना किधर है? चर्च गेट। मेरी इधर है, चर्च गेट उधर है, हम किधर जाऊं? उधर को। इधर को। उधर। इधर। उधर। अच्छा देखो भाई, तुम दोनों फैसला कर लो, हम जरा चाय पानी पी के आता है कि केंद्र है।
आप पहले मुझे घर पहुंचाएंगी या मैं आपको पहुंचाऊं? पहले मुझे आप घर पहुंचाएंगे। हाँ मन सरदार जी आइए, फैसला हो गया। मुंडा काफी तेज लग रहा है। रुको रुको, अब मेरा घर आ गया, प्लीज मुझे जाने दो। एक शर्त पर। क्या? तुम शाम को फिर मिलोगे। अगर बाबू तुम्हें देख लिया तो क्या हुआ? और ठुकाई होगी और क्या होगा। तुम चुप करो सरदार जी। बाबू जी, बाबू जी कमान, तुम भी आओ मिस्टर, जल्दी आइए आइए। बाबू जी अब मेरा मीटर क्या डाउन कर दो? अभी करता हूँ डाउन, तुम भी ठहरो। चलो फस गया बेचारा मुंडा, कहता सी फैसला हो गया सरदार जी। और फैसला तब होगा जब घर जाके जुत्ती पड़ेगी। माँ बाप भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, ये यहाँ के नैन पटाखे लड़ाते हैं। सरिता की माँ क्या है? इस लड़के को जरा अच्छी तरह देख लो और पहचान लो। कौन है ये? क्यों भाई कौन है तू? सुधीर। सुधीर? कौन सुधीर? सुधीर शर्मा। बाप का नाम क्या है? रणधीर शर्मा। बाप बेटे ने नाम एक जैसे रखे हैं। तुम सरिता को कब से जानते हो? जी 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 आज से, अभी से, जब से आपने देखा उसी वक्त। इसीलिए मैं कहती थी लड़की को कॉलेज मत भेजो, तुमने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। ये लड़की एक दिन तुम्हारी नाक कटाकर तुम्हारे हाथ पर नजर दे तो जो जी में आए कहना। और मैं पूछती हूँ तुमने शर्म भेज खाई है? सामने बिठा के बातें कर रहे हो, जूते से मुंह क्यों निकाल? सरिता की माँ मर गया बाबू। तो तुम सरिता को आज ही से जानते हो? जी 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 हाँ जी। सरिता, सरिता तुम इसे कब से जानती हो? जी 4 साल से, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और अब ये मेडिकल स्टूडेंट है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? जी मैं बताता हूं, तुमने झूठ इसलिए बोला कि तुम डरते हो, और तुम डरते इसलिए हो कि जिस काम को तुम कर रहे हो उसे तुम अच्छा नहीं समझते, और जिस काम को तुम अच्छा नहीं समझते उसे तुम क्यों करते हो? इससे साफ जाहिर है कि तुम परले दर्जे के जाहिर अनपढ़ बेवकूफ और किसी छोटे खानदान से ताल्लुक रखते हो। जी ये बिल्कुल झूठ है जी, मेरे दादा रामपुर रियासत के मिनिस्टर थे और मेरे बाप रणधीर शर्मा एमडी कानपुर के मशहूर डॉक्टर हैं, और मैं जाहिल ही हूँ जी। मैंने फर्स्ट क्लास में बीएससी पास की और एक क्लास मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मैं डरता भी नहीं हूँ जी। मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते और हम आपस में शादी करना चाहते हैं। तो क्या तुमने कानपुर के मशहूर डॉक्टर रणधीर शर्मा एमडी से यह पूछ लिया है कि तुम एक गरीब प्रोफेसर की लड़की से शादी करना चाहते हो? जी हाँ, और उन्होंने मुझे इजाजत भी दे दी। सरिता की माँ कमाल है, जूतों की आवाज नहीं आ रही, ठीक है? तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है बेटे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी काम चोरी से नहीं करना। तुम जब चाहो सरिता से मिल सकते हो, और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, और तुम जब चाहो मैं तुम्हारी शादी भी कर सकता हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले तुम अपनी डॉक्टरी पास कर लो, वरना तुम्हारी पढ़ाई में खलल पड़ेगा। जी हाँ मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा
अच्छा तो मुझे आप इजाजत दीजिए। हाँ बेटा। सरिता, सरिता, बेटा सुधीर को जरा बाहर तक छोड़ा। चल दिया बेटा। हाँ जी। जुग जुग जी हो। फिर आना। जरूर। अच्छा बाप। अच्छा बाप। चलिए सदा जी। धोखा नहीं कर सकता। मैं गरीब जरूर हूं, बेईमान नहीं। ये लो किराया। अरे तू ईमानदार नहीं, बेवकूफ है, एक नंबर का उल्लू। कुल 80 रुपए। हाँ राधा की माँ, बच्ची की देखभाल में जितने दिन नागे किए, अब उतने फाके भी तो करने होंगे। कोई बात नहीं, हम इतने में ही गुजारा कर लेंगे। बारवाला मोहद्दीन उमानत। Thank you.
अरे चुन्नू मुन्नू, क्या हुआ? चूल्हा भी नहीं जला है? अरे लो 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 लो, अरे लो भाई, क्या हुआ? अस्पताल गए थे? नहीं राधा की माँ, आज भी नहीं जा सका। आज भी नहीं जा सके? क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं? तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम क्यों नहीं चली गई? दिन भर लोगों के बर्तन मांजू, बच्चों को संभालू, कहाँ कहाँ मेरी अर्थी उठाओगे तुम? और तुम कहाँ कहाँ मेरा मुर्दा जलाओगी? अगर मैंने काम से नागा की तो इन बच्चों का पेट कौन भरेगा? तुम्हारा बाप छोटू कहाँ? मर गया छोटू। अरे खुद ही तो अपने हाथ से बच्चे को उन्हें दिया और अब खुद ही रोने बैठ गई। हम आ सकते तो क्यों देते? हम माँ बाप नहीं, हम स्वार्थी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम स्वार्थी। आंसू ढले, दीपक जले, जीवन के दियारे आंगन में फिर भी अंधेरा है क्यों? ये राज हम पूछे किसे? खुशी का सवेरा है क्यों? सोए हैं भगवान चैन से, कैसे कोई जगाए? नाराज है क्या? बात क्यों नहीं करती हूँ? चुप क्यों बच्चे? एक महीना हो गया डॉक्टर से कोई नहीं देखने आया, हमेशा उदास पड़ी रहती है बेचारी। उसके बाप से आपने फॉर्म पे साइन करवाई? उसके माँ बाप ने तो हॉस्पिटल में आना जाना ही छोड़ दिया। खैर तुम लोग एक महीने से कहाँ थे? थे तो यही। उस दिन अपनी बेटी को चुरा के ले जाना चाहते, इसके बाद फिर देखने तक नहीं आए जी। वो काम नहीं जाओ तो पता से बाप हो। आओ मेरे साथ चलो। बेटी को उठा के ले जाऊंगा यहाँ से। इसका नतीजा जानते हो? ये बेचारी मासूम बच्ची इस बीमारी की भेंट हो जाएगी। बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं डॉक्टर साहब। एक ही रास्ता है, तुम इस फॉर्म पर साइन कर। बच्चे की टांग कट जाएगी, उसकी जिंदगी तो बच जाएगी। Yes. Operation theater. All set? Well, I'm coming. Right on. तुम सोच लो, मैं भी आता। Thank you.
लंगड़ी लंगड़ी पहले क्यों नहीं बताया है? अंधेर है, ऐसी बारिश, ऐसा तूफान, अल्लाह अल्लाह, गाड़ियां बंद, बसें बंद, टैक्सियां नहीं मिल रही, किसी का एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अभी अल्लाह का फजल है, आध घंटे से गाड़ियों ने फिर से रेंगना शुरू कर दिया है, तो शंकर भैया आते होंगे, और अगर ना आए तो ये पड़ोसियों का गुलाम नवाब नवाब अली खां खुद तलाश करने के लिए भगवान को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाह। बाहर मत आओ, बिचारी को पास के संसार में आके हवाले कर दिया।
हस्ती खेलती को लेकर क्या समझने का बात, हस्तियाँ लेकर माता है, सब किस्मत की बात है भैया, सब किस्मत की बात है। हस कहाँ हो ना भैया, शेर को ले जादू अस्थियाँ घर में नहीं बजाया करते। अरे शंकर, ओ शंकर जल्दी कर, गाड़ी का वक्त हो गया। आता हूँ मुनीम जी, गांठ उलझ गई है। नासिक जा रहे हैं बिटिया का क्रियाकर्म करने को। अरे राम राम, इतने का क्रियाकर्म, वो तो पवित्र आत्मा रहल भैया। माँ की आत्मा का क्या करूँ, मरती बेटी को गंगा जल तक न दे सकी। अरे शंकर दादा, ये कच्चा बच्चन को यही छोड़े जाओ ना। हाँ बाजी, हम देखभाल कर दे। नहीं नहीं, बड़ी कृपा है आप लोगों की, मगर हम लोग अब यहाँ से चले जाएंगे, इस नगरी से मन भर गया हमारा। पर काम धंधा का क्या करेंगे तुम? अरे भाई, हम तो मजदूर आदमी हैं, कहीं भी काम ढूंढ लेंगे। चलो चलो बैठो बैठो हो सकती है या ओले भी पड़ सकते हैं? ओले भी पड़ सकते हैं। अब बोलो मिस्टर बोलो और मिस बोलो। अरे भाई बीच की बात तो बोलो। वो बात ये है बाबूजी, सब बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखकर कह दिया कि उसकी टांग काटनी पड़ेगी। अब ये उसका कमाल कहिए या मेडिकल साइंस का चमत्कार, बच्ची की टांग तो बिल्कुल ठीक हो गई मगर उसके माँ बाप कट गए। कट गए? वो कैसे? बच्ची की जिंदगी से कट गए, यानी उसे छोड़कर भाग गए। मिस्टर सुधीर,
would be doctor. आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होते हैं. माँ बाप बच्चों के लिए चोरी कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन इस तरह मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकते. क्यों बाबूजी? It's possible. भाग भी सकते हैं. जी? देखो बेटी, जो चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है उसकी कदर नहीं रहती. बच्चे ज्यादा होंगे, आमदनी कम, और फिर ऊपर से बीमारी. माँ बाप ने सोचा होगा कि अगर बेचारी लंगड़ी हो गई तो उससे शादी कौन करेगा, इसलिए भगवान के भरोसे छोड़कर चले गए. भगवान के भरोसे? हाँ बेटे, भगवान के भरोसे हम लोग बहुत कुछ कर गुजरते हैं. अपने आप को डिसिप्लिन में तो रख नहीं सकते, अपनी कामनाओं पे काबू नहीं पा सकते. भगवान के भरोसे बच्चे पैदा किए जाते हैं और भगवान के भरोसे पे ही उन्हें छोड़ दिया जाता है. हेलो बेटे. हेलो. ये है वो बच्ची जिसे कोई लेने नहीं आया और मजबूरन मैं चिल्ड्रन को भेजना पड़ रहा है. ओ बेबी, चलो हमारे साथ. नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी. जाओ नहीं जाऊंगी. जाओ, तुम्हारी माँ के पास लेके जाएंगे, तुम्हारे बाबा के पास लेके जाएंगे. दीदी मैं नहीं जाऊंगी. बहुत अच्छी बेटी है मेरी बेटी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. चलो बेटी, चलो बेटा, हम चाय देते हैं. कोई
कली रोए डाली के लिए जिसने तड़पा दिया तड़पे उसी माली के लिए तड़पे उसी माली के लिए थके कुछ ऐसे कदम एक दर पे आके रुकी लबों पे आह लिए अपना सर झुका के रुकी कुछ तो कहो देवता इसका दोष है तो क्या इसका दोष है तो क्या एक नन्ही सी कली रोए डाली के लिए जिसने तड़पा दिया तड़पे उसी माली के लिए एक नन्ही सी कली रोए डाली के लिए जिसने तड़पा दिया तड़पे उसी माली के लिए जिसने तड़पा दिया तड़पे उसी माली के लिए जिसने तड़पा दिया तड़पे उसी माली के लिए ये इसके माँ बाप को ढूंढ रही है बाबू हर्ज क्या हर्ज नहीं तो क्या फर्ज है मैं पूछती हूँ तुमने ऐसे कामों का ठेका ले रखा है पता नहीं किस कोख की जनी किस गोद में पली नाम न काम उठा लाई इसे घर में छी 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 सरिता की माँ बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं लेकिन ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है बाबू जी आज देश के सारे चिल्ड्रन होम ऐसे ही लवारिस बच्चों से भरे पड़े जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर भाग गए ये किस किस के माँ बाप को ढूंढती फिरे आपको मेरे साथ ढूंढने में कभी कभी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है ना इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फिर कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगी देख लिए अपने बेटे के पसंद चार किताबें क्या पढ़नी जो मन में आया करती है जो मुंह में आया करती है तब तक इसे साथ चलाते रहोगे मैं पूछती हूँ इसे समझाते क्यों नहीं और मैं पूछता हूँ कि मैं उसे क्या समझाऊं और क्यों समझाऊं वो कोई बुरा काम कर रही है ये तो इंसानियत की बात है भावना की बात है अरे माचिस तो दे भाई ओ बीड़ी वाले भैया एक तीन नए पैसे का सूखा नहीं दियो अरे शंकर दादा तू राम राम अरे सुन तो कैसा मलिच है तू बिटिया तेरी जिंदा है उका छोड़ के तू कहत फिरता दुनिया भर में कि वो बिचारी मर गई धिक्कार है तुझ पर तो अरे उसकी दवा कर अकल के नाखून ले सरदार के साथ रहकर शायद तूने भी शराब पीनी शुरू कर दी अरे मेरी बेटी मैं अपने हाथों जला कर आया तू कहता है कि जिंदा है नहीं 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 अरे मुदा हम अपनी आंखें देखे वो राधा रही बिल्कुल राधा शंकर अरे उस दिन तूने दारू के साथ डबल गोली चढ़ा ली होगी और अपना ही घर भूल गया होगा ये बेईमान हमका बेवकूफ बनावत है
अरे हम अपनी आंखें देखे हाँ। अरे शंकर दादा तू, अरे सुन तो, कैसा मरी ठहरे तू? बिटिया तेरी जिंदा है, उका छोड़ के तू कह फिर था दुनिया भर में कि वो बेचारी मर गई। सिक्का है तुझ पर। क्यों रहने लगा भला? मैंने तुम्हारा झूठ रामी को जो दे दिया। ठीक ही तो किया। कभी कभी घर की हालत देखकर सोचता हूं अगर छोटू इस घर में होता तो भूख के मारे बिलक बिलक कर मर जाता। हमारी राधा की तो राधा की याद न दिलाओ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि हमारी राधा मर गई है। ऐसा लगता है अभी कहीं भागती दौड़ती घर वापस आ जाएगी। मां हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूं।
थे रात भर? रात वाली पर आप किधर है? घर पे चाचा। घर पे है? चल बैठ गाड़ी में। चलो घर चले, चाचा की गाड़ी आई है। बाबूजी तुसी दूसरी टैक्सी ले लो कि केंद्र। आदमी होता ही नहीं। बक नहीं हो है। गरीब ही तो आदमी होता है। तू तो आदमी नहीं। और तू तो कहंदा से तेरी बेटी मर गई है। ओए ओ तो चंगी पली पई फिरती है। ओए शंकरा तनु तो ओथे मारना चाहिए जिथे कुछ पानी ना होवे। ओए ओ जरा धीरे बोलो सरदार जी, मेरी घरवाली बीमार है, सुनते ही मर जाएगी। ओए मैं उन्हें ही तो दसने आया हूं। उस पर तरस खाए। और तरसते बच्चे बाप पत्थर का हो सकता मगर मां पत्थर की नहीं हो सकती। मैं उसको दस के ही जाऊंगा। मैं जीते जी मर जाऊंगा सरदार। आप जरा सोचिए तो सही, ये सब कुछ मैंने क्यों किया? परे आते हो, मैं उसको दस के जाऊंगा। मैं सच का सिपाही हूं। सरदार साहब, आपके पांव पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर तरस खाइए, मेरी मजबूरी को सोचिए। ना तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकता था और ना उसकी टांग कटवा सकता था। एक अपाहिज बेटी का बोझ उठाकर मैं कहां कहां फिरता। इसलिए मैंने उसे भगवान के भरोसे अस्पताल में छोड़ दिया। सरदार साहब, अब आप ही सोचिए सरदार जी, मैं एक गरीब आदमी इतने सारे बच्चे कैसे संभाल सकता हूँ, कैसे पाल सकता हूँ? ओए तू कोई भगवान है? सबको रोटी देता है। ये बच्चों की लाइन डोरी लगाने से पहले तुमको पहले सोचना चाहिए था। मैं तेरा भांडा फोड़ कर आऊंगा। सरदार साहब मुझ पर दया कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। सरदार साहब मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मर जाऊंगा। सरदार साहब दया कीजिए। दीदी तू जानती है कि इसने क्या किया है? को सच्चा करने के लिए जीती जागती बेटी को कह दिया मर गई। हा हा गुरु, माया आके खोलो। माया तुम्हारी राधा जिंदा है। उठो माँ। माया हमारी राधा जिंदा है, आके खोलो माया। अरे भाई सरिता की माँ बधाई हो। बधाई? हाँ, कल सुधीर के पिता डॉक्टर रणधीर शर्मा आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। बस जल्दी से इसकी शादी की कोई तारीख पक्की कर दीजिए, जिस दिन इसकी डोली गई और मैं गंगा नहाई। बस तुम गंगा गई और मैंने संन्यास लिया। चलिए। अरे ये कहाँ जा रही? माँ ये हमारे साथ जा रही है। हमारे साथ? लेकिन मैं तो दो ही टिकट लाया हूँ। तो आप जाइए पिक्चर, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने आपसे कई बार कहा है, जब तक राधा मेरे साथ है मैं इसे छोड़कर अकेली कहीं नहीं जाऊंगी।
देखो सरिता, इस पराई लड़की के कारण मुझे दोस्तों में कितना जलील होना पड़ता है, ये शायद तुम नहीं जानती। हाँ हाँ जलील, वो हंसी हंसी में यहां तक भी कह देते हैं, ये राधा शायद तुम्हारी ही बेटी है। अगर इस पराई बच्ची को हम अपना ही समझ लें, तो इसमें हर्ज क्या है? और अगर मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही समझ लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप अपने पिताजी को इतना छोटा आदमी समझते हैं? चली गई माँ, कल तुम इसे घर से निकाल रही थी ना, वो अपने आप ही चली गई। माँ, माँ तो वो होती है जो पराए बच्चों के लिए अपने दिल में ममता रखती है, पर तुम कैसी माँ हो? तुम फिक्र न करो बेटी, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं बाबूजी नहीं, मैंने उसे बहुत मारा था, बहुत मारा था।
समझा था बच्ची के माँ बाप मर गए हैं या उसे छोड़कर भाग गए। हाँ मैं मर गई थी डॉक्टर साहब, मैं मर गई थी। एक बार मेरी बेटी का मुंह मुझे दिखा दीजिए, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। तुम्हारी बच्ची की टांग ठीक हो गई थी। ठीक हो गई थी माया? ओ माया, ओ चुन्नू मुन्नू, माया, ओ माया, माया, अरे माया को देखा, कहाँ गए सब? चल तो बेटा। Thank you.
जागो ब्रिज के बासी, जागो घन श्याम, जागो ब्रिज के बासी, जागो घन श्याम। वन उपवन मृग पक्षी जागे, जागी पुष्प लताए, स्वर मुरली के अब हुन जागे, अभिलाषी कित जाए, नैनन के पट खोलो मुरारी, बहु कीनो विश्राम, जागो ब्रज के बासी, जागो घन श्याम। मंडल छेड़ा मीठे स्वर लहराए, उषा के सुंदर नैनन में एक आशा मुस्काए, जिन सपनों की माया झूठी, वो सपने किस काम, जागो ब्रज के बासी, जागो घन श्याम। बाल बाल सब द्वार हैं ठारे, छोड़ के सगरे काज, माखन लेके खड़ी है माता, उठ बैठो ब्रजराज, रवि किरने पृथ्वी को चूमे, ले तुम रोही नाम, जागो ब्रज के बासी, जागो घन श्याम, जागो कहानी कोई लफ्जों की जंजीर नहीं, ये वो कहानी है जिसने मानवता की कोख से जन्म लिया, संसार के उन बच्चों की कहानी जो भूल ममता के आंचल में खिलते हैं और जहरीले कांटों की तरह जिंदगी के सीने में उतर जाते हैं। कांटों का रूप धारण करने वाले ये आंचल के फूल किसकी भूल हैं, इंसान या भगवान।